अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध वॉच के साथ मैं हूं शाहबाज। हर आने वाले नए साल के साथ हम पिछले साल के नुकसान और खदशात को गिनते हैं या उसका इजहार करते हैं। तो 2021 में पाकिस्तान ने इंतहाई अहम लोगों को खोया, जिसमें सबसे बड़ा सानहा 10 अक्टूबर को हुआ, जब पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के रूह रवां मुल्क की एटमी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जहां ने फानी से कूच गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ अदालत के बाद 10 अक्टूबर को इस जहान फानी से इंतकाल कर गए और उनका खिलाफ पुर करना हमारे मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। इसके अलावा मजाक की दुनिया का इंतहाई अहम नाम उमर शरीफ तवील अदालत के बाद अपने करोड़ों मद्दाहों को छोड़ खाली के हकीकी सजा मिले। उनके इंतहाई अहम ड्रामे जो लोगों की मुसरत का बाइस बने, वो पाकिस्तान में आज भी याद किए जाते हैं और लोग बड़ी दिलचस्पी से उन्हें सुनते हैं। इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान की सियासत के अहम नामों में से साबका सदर ममनून हुसैन 14 जुलाई को इंतकाल कर गए। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 2013 से 18 तक सदर रहे और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ही अहम तरीन रुकन साबका सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान भी इसी साल गुजर गए। मुशाहिदुल्ला खान एक अहम नाम थे और नवाज शरीफ के काफी करीब समझे जाते थे, जबकि सिंध की सियासत के मकबूल तरीन नाम जुल्फकार अली भुट्टो के कजन और साबका सिंध गवर्नर मुमताज अली भुट्टो भी इसी साल 18 जुलाई को जहां फानी से रुखसत हुए। मुमताज भुट्टो का एक अहम कारनामा ये भी है कि मुमताज भुट्टो ने 1972 में सिंध असेंबली से सिंधी जबान को कौमी जबान का दर्जा दिलवाया था। इसके अलावा अगर हम इनकलाबी और हुर्रियत पसंदों की बात करें तो कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी भी इसी साल कश्मीर की आजादी का ख्वाब अपने दिल में लेकर जहां ने फानी से रुखसत हुए। अली गिलानी अपनी तमाम उम्र कश्मीरी अवाम की खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद करते रहे और वो दुनिया के अजीम तरीन लोगों में शामिल हो गए। 2021 में मुल्की सहाफत की अहम शख्सियात भी अलविदा हुई, जिनमें आईए रहमान का नाम सबसे बड़ा है। आईए रहमान इब्ने अब्दुल रहमान सीनियर कॉलमिस्ट थे। 12 अप्रैल को उनका इंतकाल हुआ और वो इंतहाई अहम मौजूआत पर पाकिस्तानी अवाम को आगाह करते रहते थे। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के काफी अखबारात जराइद और टीवी चैनल्स के साथ साथ मुल्क के इंतहाई अहम मीडिया ग्रुप डॉन के साथ आखिर तक रहा।